हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसको हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है जी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इससे पहले जो वेक्टर्स है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को पता भी होगा वेक्टर्स क्या होते हैं। आपने हाउ नाउ इसकी मैट्रिक क्लासेस में आपने देखी होगी 10th में 9th में। लेकिन अब हम इसे प्रॉपर शुरू से स्टार्ट करते हैं, भाई ये आया कहाँ से। ठीक है, अगर हम जाएं प्रीवियस चैप्टर में तो वहाँ पे हमने एक नाम पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज, याद आया। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, All measurable quantities are known as physical quantities. क्या डेफिनेशन लिखी थी? All measurable quantities are called physical quantities. यही थी। इसको फिर हमने फर्दर दो किस्म की क्वांटिटीज में डिवाइड किया था विद रिस्पेक्ट टू डाइमेंशंस, और वो दो क्वांटिटीज हमारे पास बनी थी, बेस क्वांटिटीज, याद होगा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनका नाम हमने रखा था बेस क्वांटिटीज, और जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती थी उनका नाम हमने रखा था ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, या ड्राइव क्वांटिटीज ऐसे नाम था। अच्छा, अब इन जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनकी जो हमने ये जो डिवीजन की थी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन की थी, लेकिन अगर इनकी डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की जाए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये फर्दर तीन किस्म की बनती है, लेकिन हमारी बुक में चूंकि दो है तो हम दो को ही देखेंगे। एक का नाम बनेगा इधर स्केलर्स और दूसरे का नाम बनेगा वेक्टर्स। तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर्स टर्म लिखी हुई है ये असल में किसको इंडिकेट कर रही है? फिजिकल क्वांटिटीज को। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब डायरेक्शन जो है ये क्या है? डायरेक्शन क्या है? अब डायरेक्शन क्या होती है? सीमित। ठीक है, अब हुआ कुछ यूं कि मैं बाजार जा रहा था तो मेरा एक दोस्त सामने से आ रहा था, मैंने कहा यार ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा यार कुछ भी नहीं, घर का सामान था, 10 किलो चीनी है। और मैंने कहा अच्छा अब जा कहाँ रहा है? उसने कहा घर जा रहा हूँ। उसने कहा घर जा रहा हूँ। मैंने कहा आ कहाँ से रहा है? उसने कहा वो उस साइड से एक दुकान है, उस साइड से आ रहा हूँ। वो मेरे से जब बात कर रहा है तो मुझे दो चीज़ें वो बता रहा है कि उसके पास एक चीज़ है वो मेजरेबल क्वांटिटी है। मैंने कहा हाँ, वो जो मेजरेबल क्वांटिटी मुझे पता है 10 किलो चीनी है, मीन्स कि वो मैस है। ठीक है, लेकिन जब मैं उसे पूछ रहा हूँ भाई जा कहाँ रहा है या आ कहाँ से रहा है, तो वो मुझे कहता है भी फलां साइड से आ रहा हूँ, फलां साइड पे जा रहा हूँ। मीन्स के वो अब भी एक चीज़ को ही बता रहा है, अपनी एक नई किस्म की क्वांटिटी, यानी कि उसका नाम हमने रखा था एनी फिनोमिना डैट एक्सप्रेस अ फिजिकल फिनोमिना, यानी कि एनी नंबर जो किसी भी फिजिकल फिनोमिना को शो करे वो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसका नाम हमने वेलोसिटी रखा था। इसका मतलब है वो स्पीड, अपनी जो वेलोसिटी है उसको इंडिकेट कर रहा है, लेकिन साथ वो क्या बता रहा है? अपनी डायरेक्शन बता रहा है। तो वो जो नई किस्म की क्वांटिटी जो वेक्टर की सेंस में, डायरेक्शन की सेंस में एक्सप्लेन हो रही है, उसका नाम क्या होगा? वेक्टर। ठीक है, अब मैं इनकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं जी स्केलर। ठीक है, दोज क्वांटिटीज, जाहिर सी बात है कौन सी क्वांटिटीज है, जाहिर सी बात है पता है फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज डैट रिक्वायर ओनली आ वैल्यू फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? स्केलर्स। ठीक है, अब वेक्टर्स की लिखते हैं। वेक्टर्स दोज क्वांटिटीज डैट रिक्वायर, ठीक है, अ वैल्यू अलोंग विद
आर डायरेक्शन, ठीक है, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इनका नाम क्या पड़ जाएगा? इनका नाम पड़ जाएगा वेक्टर। अच्छा, किसी ने पूछा भी वैल्यू क्या है, मैंने कहा यार वो जो मेरा दोस्त था वो बाजार से जब गया तो वो बाजार से जब चीज ला रहा था तो असल में वो एक अमाउंट को शो कर रहा था। मैंने कहा भाई वो कितनी अमाउंट थी? उसने कहा था सर 10 kg। मैंने कहा भाई और उसके पास क्या था? उसने कहा सर 5 kg उसके पास अलग से चावल थे, ठीक है 5 kg, ठीक है। और मैंने कहा और उसके पास क्या था? उसने कहा सर वो बाजार से एक सूट भी लाया था अपने लिए, ठीक है। मैंने कहा वो सूट कितना था? उसने कहा सर 2 meter लेंथ में वो सूट था, ठीक है 2 meter कह लो, या लेट्स सपोज हम कह लेते हैं भाई 5 meter, ठीक है लेंथ में वो सूट था। अब आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये यूनिट्स है, और हमें पता है कि kg मास के यूनिट है और मीटर लेंथ के यूनिट है, ये पता है। अब अगर आप गौर करो तो ये 10, 5, 5 ये एक सिंपल सी क्या है, उनकी एक कीमत है, वैल्यू है। तो ये क्वांटिटी जस्ट वैल्यू पे कहती है सर गुजारा हो जाएगा, बस हम वैल्यू के साथ जी लेंगे, अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। ऐसी क्वांटिटीज का नाम क्या पड़ता है? स्केलर्स, ठीक है। अब इनके लिए चाहिए क्या होता है? इनके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक वैल्यू प्लस दूसरी चीज यूनिट। तो ऐसी क्वांटिटीज का नाम क्या होगा? स्केलर क्वांटिटीज, जो कि वैल्यू प्लस यूनिट पर हो। और इसी वैल्यू को बुक ने एक नया नाम दिया है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम इधर बोलेंगे कीमत। कीमत मीन प्राइस की सेंस में नहीं हम लेंगे, हम इसको लेंगे मेजरमेंट की सेंस में, ठीक है। तो वो क्या होंगी हमारे पास? मैग्नीट्यूड, यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज डैट रिक्वायर या हुज डिमांड इज ओनली मैग्नीट्यूड अलोंग विद द यूनिट आर नाउन एज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब आ जाए वैक्टर्स पे। वैक्टर्स पे मैंने कहा भाई 10 meter per second फ्रॉम राइट। मैंने कहा भाई कहाँ से आ रहा है? उसने कहा सर 10 meter per second की स्पीड से राइट साइड से आ रहा हूँ, ठीक है, बाइक पे पैदल जो भी। अच्छा, मैंने कहा भाई फोर्स लगाओ। उसने कहा सर कितनी? मैंने कहा भाई 10 newton फोर्स लगा। अब दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा वेयर। वेयर मीन यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है मुझसे कि कहाँ लगानी है। कहाँ का मतलब क्या होता है हमारी जुबान में? डायरेक्शन। इसका मतलब है कि इधर हमारे पास कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई। 3 कौन सी? मैग्नीट्यूड जिसे हमने वैल्यू का, प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज का नाम क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज जो के अपनी डिमांड को, यानी कि अपनी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन के लिए 3 चीज़ें आपसे मांगे। 3 तो जाहिर सी बात है यूनिट तो होगा, फिजिकल क्वांटिटी है ना, यूनिट तो होगा। तो साथ हम कहेंगे कि भाई मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक नई चीज़ डिमांड कर लें, डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का नाम क्या होगा? वैक्टर क्वांटिटीज। क्लियर हो गया कि वैक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। अब हम बुक की जो उसने थ्योरी लिखी है उसको देखते हैं ज़रा, बुक की थ्योरी के मुताबिक क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यार आप जाओ तो बाजार से ना आप कपड़ा ले आओ कोई 10 meter, तो आप बाजार जाओगे आपको 10 meter कपड़ा दे दो, तो वो कहेगा लो सर 10 meter कपड़ा है। आप पूछोगे भी डायरेक्शन? उसने कहा सर डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्शन तो चाहिए नहीं ना, 10 meter कपड़ा आप ले आओ, वो होगा स्केलर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ यार वो एक बाजार में दुकान का नाम है, तो वो मेरे से पूछेगा भाई किधर है दुकान, क्योंकि यहाँ से ऐसे सीधा जा, लेफ्ट हो राइट हो फलां फलां होके वहाँ से पहुँच जाएगा, तो वो आ जाएगी आपकी दुकान। डायरेक्शन पूछ रहा है कि किस तरफ है दुकान, शॉप पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब होगी वो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पूछ रहा है, लेकिन उसमें जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो वैल्यू को हम चैप्टर 3 में देखेंगे, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वैक्टर के कोर एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूँ, जैसे कभी मैंने बताया कि मैंने कहा भाई फोर्स लगाओ, तो उसने कहा सर किधर फोर्स लगानी है, यानी कि एक वो पूछ रहा है कितनी लगानी है, दूसरी पूछ रहा है कहाँ पर लगानी है, कितनी मैग्नीट्यूड, कहाँ पर डायरेक्शन। तो ये हो गया आपके पास वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने देखना था कि हम जो वेक्टर्स हैं उनको इंडिकेट कैसे करेंगे, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली चीज वेक्टर है और ये वाली चीज स्केलर है। अब इसके लिए क्या जुगाड़ लगाना है वो देखते हैं। हुआ कुछ यूं,
कि उसने कहा सर वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज है ना वो हम ना किसी भी लेटर से करते आ रहे हैं शो, जैसे कि मैथ्स के लिए एम, वेलोसिटी के लिए वी, फोर्स के लिए एफ। मैंने कहा हाँ यार ये भी ठीक है, ये मेरे पास है जी फोर्स, ये मेरे पास है जी मैथ्स, और ये मेरे पास है जी टेम्परेचर, ये मेरे पास है जी वेलोसिटी, ये मेरे पास है लेट्स सपोज पावर, ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। तो इसके अंदर मैंने बता दिया बच्चों को, मैंने कहा यार ये फोर्स है, ये वेक्टर है, मैं आपसे जब भी कहूँगा अभी फोर्स लगाओ आपको मैं कहोगे सर कितनी और कहाँ, ये मैथ है इसके लिए आपको पता है कि कोई भी नहीं चाहिए, ये टेम्परेचर है इसके लिए भी आपको नहीं डायरेक्शन चाहिए, वेलोसिटी आपको सर किस रफ्तार से किस डायरेक्शन में, पावर भी कितनी पावर है तेरे में, ये थोड़ी ना किस साइड पर पावर है, नहीं एंगुलर मोमेंटम ये भी वेक्टर है इसके लिए भी आपको पता है डायरेक्शन होती है, ठीक है एंगुलर मोमेंटम में जाए ना, बल्कि आप सिंपल मोमेंटम पी लिख लेते हैं, ठीक है तो इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। अब ये आप लोगों को तो पता चल गया, जो लोग इस वक्त लेक्चर अटेंड करें, हम चले गए बाहर कंटीन में खाने पीने, तो एक स्टूडेंट आया वो बेचारा लेक्चर नोट कर रहा था, अब उसे नहीं पता यार कि भाई इनमें वैक्टर कौन है स्केलर कौन है, तो उसकी आसानी के लिए हमने एक जुगाड़ लगाना है, उसकी आसानी के लिए बुक वाले ने कहा कि भाई आप ऐसे करें कि जो बच्चों जिनको पता नहीं लग रहा कि वेक्टर कौन है स्केलर कौन है ना, उनकी आसानी के लिए आप क्या करें, आप एक टर्म को यूज करें बोल्ड फेस, बोल्ड फेस लेटर्स किसके लिए, फॉर वेक्टर्स। मैंने कहा हाँ यार ये बड़ा अच्छा काम होगा, मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, बस जो बोल्ड फेस वाले होंगे ना उनका नाम वेक्टर होगा, जो बगैर सिंपल हमारे लेटर्स होंगे ना वो हमारे पास स्केलर होंगे। जैसे कि अब वो फोर्स को उसने कहा सर आप ऐसे करके लिख दें जरा, ठीक है और मैथ्स को ऐसे ही, टेम्परेचर को ऐसे ही, वेलोसिटी को, सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी मेरी खराब है, तो ये वेलोसिटी और ये पावर, ये मोमेंटम। इसका मतलब ये बन गया कि जो बोल्ड फेस से लिखे होंगे, अब वो हम चले भी गए ना स्टूडेंट आए उसे पता चल जाएगा यार ये तीन बंदे वेक्टर्स हैं, ये तीन बंदे स्केलर्स हैं, यहाँ पर उन्हें पता, उसने कहा सर ये खपत बहुत है, ये अक्सर बच्चों से तो बनना ही नहीं है, ये जो आप डिज़ाइन से बना रहे हैं आपसे खुद नहीं बन रहा। मैंने कहा हाँ यार, तो उन्होंने बुक ने ना एक और हमें आसान सा इसका सोल्यूशन बता दिया, उसने कहा आपको सर ये वाली चीज़ पता है इसको क्या बोलते हैं, मैंने कहा भाई कौन सी चीज़, उसने कहा सर ये वाली चीज़, मैंने कहा हाँ यार इसको एरो बोलते हैं, जब आप एरो की बात करते हो आपने रोड्स पर भी देखे होंगे तो ये एरो क्या शो करवाते हैं डायरेक्शन, तो उसने कहा ऐसे ही करें कि आप जो ये आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स है ना इनके ऊपर या नीचे एरो लगा देना तो इसे ये भी पता चलेगा ये वेक्टर है। मैंने कहा भाई क्या मतलब, उसने कहा सर आप इसी चीज़ को आप कुछ यूं करके लिख दें। मैंने कहा यार ये भी ठीक है, उसने कहा नीचे भी लगा सकते हैं, मैंने कहा अच्छा ऐसे, हाँ वो कहता है ऐसे भी लगा सकते हैं, मैंने कहा ये बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा अब मैं कह दूंगा कि The letters with arrows are vectors. ये बहुत बढ़िया हो गया। अब ये क्या हो गया कि उसे पता चल जाएगा स्टूडेंट को कि भाई जिन लेटर्स के साथ एरो है ऊपर या नीचे वो क्या है, वेक्टर्स है। अब जो वेक्टर्स है हमें पता है कि ये तो वेक्टर हो गया, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी। उसने कहा सर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये बता देना है कि अगर आप इस एफ को यूं लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है तो ये एफ जस्ट क्या शो करवा रहा होगा, यानी कि विदाउट एरो या बोल्ड फेस इट शोज मैग्नीट्यूड, और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, स्केलर के बराबर होता है ना, तो इसलिए इसके ऊपर कोई एरो शेडो नहीं, इसका मतलब है कि ये जो एफ है ये है फोर्स ही, लेकिन ये एफ कहलाएगी जस्ट वैल्यू, मींस कि इधर ये 40 न्यूटन तो कहलाएगी लेकिन ये वाली फोर्स 40 न्यूटन नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी 40 न्यूटन प्लस डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी डायरेक्शन डिमांड की होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड तो कहलाएगी सपोज, ठीक है, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट जिस भी डायरेक्शन के अंदर जा रही है, समझ आ रही बात की, सेम मोमेंटम के लिए। अच्छा तो इसका मतलब है कि ये जो सिंगल मतलब बगैर बोर्ड किए या बगैर एरो के लिखे होंगे ये जस्ट उनके क्या होंगे, मैग्नीट्यूड, और अगर उनके ऊपर हम एरोज लगा देंगे तो वो बन जाएंगे वैक्टर विद डायरेक्शन, समझ आ गई। अच्छा तो ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा अब वेक्टर्स को उसने कहा सर अगर आप ऐसे बना सकते हो तो आप ऐसे एरो की शक्ल में भी बना सकते हो। मैंने कहा हाँ यार। अच्छा एक और चीज़ भी हम अक्सर आपने लिखी होती है कि आपने देखा होता है कि भाई आप ऐसे ना फोर्स का वेक्टर बना होगा ऐसे करके और दो डंडे लगे होंगे, जैसे ये वेलोसिटी का वेक्टर दो डंडे, तो ये है फोर्स का वेक्टर लेकिन ये जो डंडे हैं ये इसको ये बना देते हैं,
क्या मतलब बना कि ये जो चीज है ये जस्ट मैग्नीट्यूड को शो करवा रहा है, ये वेक्टर नहीं, लेकिन ये इसको पढ़ेंगे कैसे, मोड ऑफ वेक्टर एफ। इसका मतलब क्या बना कि ये जो मोड है ये मींस मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर का। और दूसरा ये मोड होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है नहीं ना, जैसे -5 किलो चीनी अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। सेम ये जो है, ये जो अंदर डंडों के दरमियान में जो चीज लिखी होगी उसका मैग्नीट्यूड को पकड़ के नीचे रख देंगे, यानी कि ये असल में हकीकत में ये लिखा हुआ है और ये हकीकत में ये लिखा हुआ है, सेम वही चीज। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अब वेक्टर्स चूंकि एरो से हमने शो करवाया तो इनकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी, ठीक है। अब उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे एरो रिप्रेजेंटेशन, कि हम उन्हें किससे शो कर सकते हैं, किसी भी एरो से। इसका मतलब है ये मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये बना कि ये कोई भी वेक्टर हो इसकी इस डायरेक्शन है। सपोज कर लें ये वेक्टर फोर्स का, ये 20 न्यूटन फोर्स है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है जी। 20 न्यूटन चूंकि न्यूटन फोर्स के यूनिट, तो क्लियर हो रहा है कि ये भी फोर्स का वैक्टर इस डायरेक्शन में, या अगर मैं कह दूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी का वेक्टर है और इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब किसी ने कहा सर ये एक स्टूडेंट है, मैंने देखा एक स्टूडेंट ने ये वाला वेक्टर बनाया और एक स्टूडेंट ने ये वाला वेक्टर बनाया, वो दोनों यही बात कर रहे थे कि ये दोनों वेक्टर 10 न्यूटन के हैं, हाउ इट पॉसिबल कि एक बड़ा है एक छोटा है। मैंने कहा यार ये इट डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्टेड स्केल, कौन, इट डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्टेड स्केल। क्या मतलब बना कि आप इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके सिलेक्टेड स्केल पे डिपेंड करता है। कैसे? मैंने कहा यार ये हो सकता है कि इसने कहा होगा कि भाई 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है, और इसने कहा होगा कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये जरूर मेंशन किया होगा उसने, उसने कहा हाँ सर ये सुना ना साइड पे लिखा होगा भाई 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये 5 सेंटीमीटर होगा तो 10 न्यूटन बनेगा, और ये 1 सेंटीमीटर ही 10 के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, इसका मतलब ये बना कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये आप कुछ भी रख सकते हो अपने मुताबिक, यानी कि कुछ भी नहीं, ये मतलब नहीं है कि वो वैक्टर 20 का तो आप उसे 10 कर दो, नहीं, आप ये कह सकते हो कि भाई 20 न्यूटन 10 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि द लेंथ ऑफ दैट एरो ये आप पे डिपेंड करती है कि आपने कितना बड़ा एरो, यानी कि अगर जगह छोटी है, आप कहते हैं सर स्पेस कम है, तो आप, मैं कहूंगा भाई यार आप बड़े वेक्टर, यानी कि छोटे स्केल पर बड़े वेक्टर को लिख लो, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये 10 न्यूटन सॉरी, ठीक है। और अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो आप कहते हो बड़ा अच्छा करके डायग्राम बनाने, तो यूं बना लो, यानी कि द लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, व्हाइल द हेड, जो हेड है जिस डायरेक्शन में, वो क्या करेगा, उसी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। लास्ट में एक सिंपल सी चीज, ये एक टर्म है जी स्केलर, ये स्केल आपको ने वर्ड सुना होगा, स्केल क्या इंडिकेट करता होता है, हमेशा एक मैग्नीट्यूड, जैसे कि भाई किस स्केल पर आपने जी ये वेट मेजर किया है, वो आपने देखा होगा स्केल होता है, ठीक है, आपके पास जो बैग में स्केल होता है वो लेंथ को मेजर कर देता है, वो मैग्नीट्यूड को मेजर कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्केल्स आते हैं लेफ्ट और राइट पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल, उनके ऊपर भी बताता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू बन रही है, वो सिर्फ वैल्यू को इंडिकेट करता है, वो ये नहीं बताता कि कहाँ पर जाना है या किधर से आ रही है। इसलिए स्केलर क्वांटिटीज़ को स्केल से हमने ऐसा निकाल लिया कि ये जस्ट डिजायर्ड वैल्यू को बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि कहाँ से किधर से कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका वेक्टर्स वाला टॉपिक, आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर फिर जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें 2-3 जो आपके इधर डॉट्स रहते हैं दिमाग में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।